क्या आपको पता है कि डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड से भी मकान का किराया यानी मंथली रूम रेंट भी अपने मकान मालिक को आप अदा कर सकते हैं। हालांकि फोन पे ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर 1.5% का प्रोसेसिंग चार्ज भी देना होता है, लेकिन आपको कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए के रेंट पेमेंट पर आपको 10,150 रुपए का पेमेंट करना होगा। चलिए आपको बताते हैं फोन पे ऐप से क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट करें। इसके बाद फोन पे ऐप ओपन कर रिचार्ज एंड पे बिल सेक्शन में सी ऑल पर क्लिक करें। अब यूटिलिटीज सेक्शन में आपको रेंट पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। रेंट पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, होम शॉप रेंट, सोसाइटी मेंटेनेंस, ब्रोकर पेमेंट और प्रॉपर्टी डिपॉजिट। होम शॉप रेंट क्लिक करने के बाद मकान मालिक, बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट का डिटेल या UPI ID डालें। इसके बाद किराए की राशि डाली जाए। अब पेमेंट मोड में क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया जाए। किराए की राशि मकान मालिक या बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। अब बारी आती है क्रेडिट कार्ड से रेंट चुकाने के फायदों की। तो क्रेडिट लिमिट का उपयोग कर अपना कैश आप बचा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के बकाए का पेमेंट आमतौर पर 45 से 50 दिन बाद देना होता है। इस तरह से रेंट के पैसे को कहीं निवेश कर आप कुछ कमाई भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन को आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके मायने ये कि आप रेंट को भी EMI के जरिए चुका सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन पर कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। जाहिर है आज के समय में ग्रोसरी स्टोर से सामान की खरीदारी हो, पानी बिजली का बिल भरना हो, गैस सिलेंडर बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट्स के लिए डिजिटल पेमेंट ऐप से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी सहूलियत देने वाला है। टीम जी हिंदुस्तान डिजिटल।